हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, इस वक्त प्रदेश का किसान भी अपनी गेहूं की फसल को लेकर चिंता में है। उकलाना क्षेत्र के किसानों की चिंता की एक वजह उकलाना इलाके में होने वाली आगजनी की घटनाएं हैं। क्षेत्र में लंबे समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी न होने के कारण गाड़ी की मांग उठती रही है, जिसको लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन तक किया और सरकार को ज्ञापन भी सौंपे हैं, जिसके बाद अब कहीं उकलाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच पाई है। लेकिन उकलाना में पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी सफेद हाथी बनकर रह गई, क्योंकि उकलाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो पहुंच गई लेकिन उसके चलाने के लिए भी कर्मचारी उकलाना में नहीं है। दूसरी ओर उकलाना में दमकल विभाग से हटाए गए कर्मचारियों ने भी इस संदर्भ में कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार अगर उकलाना में दमकल की गाड़ी आती है तो सबसे पहले उन्हें रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिलहाल कोरोना जैसी महामारी के चलते उन्हें बिना मेहनताना के भी अपनी सेवाएं देनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। उकलाना में गाड़ी 3 दिन पहले जिला फायर अधिकारी हिसार द्वारा खड़ी की गई है, ना ही कोई स्टाफ है, किसी प्रकार का ड्राइवर भी नहीं है, फायरमैन भी नहीं है, लीडिंग फायरमैन भी नहीं है। और हमने उनको कहा था भाई इसको चलाओ आप, जो ना खर्चा कमेटी देगी, चलानी आपने। सर, इसमें उकलाना दमकल की गाड़ी हाईकोर्ट का 2015 का आदेश है, जबकि आदेश में ये दिया गया है या तो 6 महीने में आप रेगुलर भर्ती करो, और जब तक भर्ती नहीं होती तो किसी भी प्रकार का आउटसोर्सिंग का स्टाफ हमारे अलावा नहीं रख सकते। तो इन सब के बावजूद, इन मतलब मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को इन सब बातों का पता होने के बावजूद भी पहले भी ये गाड़ी यहाँ खड़ी रही और अब भी यही हाल होने वाला है। यह पहले उकलाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी, लोगों ने जिसके लिए धरने प्रदर्शन किए, सरकार को ज्ञापन सौंपा, अब जाकर के कहीं राज्य मंत्री और सरकार के हस्तक्षेप के बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आ गई लेकिन अब इसको चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। यहां के मार्केट कमेटी के सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाड़ी तो यहां पर पहुंच चुकी है लेकिन अभी उनके पास कोई भी कर्मचारी नहीं है जो गाड़ी को चला सके। अब ऐसे में गेहूं का सीजन आ चुका है और अगर कोई अगजनी इलाके में हो जाती है तो गाड़ी तो यहां पर खड़ी है, गाड़ी को चलाने वाले अगर नहीं है, कर्मचारी यहां पर नहीं है तो इस गाड़ी का बनेगा क्या? बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। इलाका बहुत बड़ा है, गेहूं के सीजन में हर बार अगजनी होती है और उसके लिए बरवाला, टोहाना, हिसार से गाड़ियां बुलाई जाती है, तब तक भारी नुकसान हो जाता है। अब ये गाड़ी यहां पर खड़ी कर दी गई है लेकिन जब तक कर्मचारी यहां पर नहीं होंगे तो इस गाड़ी के कोई मायने नहीं रह जाते। सरकार से बार बार लोग अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जैसे गाड़ी दी है तो तुरंत प्रभाव से यहां पर कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जाए ताकि अगर कोई अनहोनी हो भी जाती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से काबू पाया जा सके। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना।